हेलो फ्रेंड्स, मोटापे और डायबिटीज से परेशान लोगों को अक्सर बोला जाता है कि आप फ्रूट्स खाइए, फ्रूट्स बहुत हेल्दी है। ज़्यादा मात्रा में अगर आप फ्रूट्स लेंगे तो वज़न इससे नहीं बढ़ेगा, ये बहुत हेल्दी और पौष्टिक चीज़ है। इसे ज़्यादा मात्रा में लेने से ना आपका वज़न बढ़ेगा, ना आपका शुगर कंट्रोल बिगड़ेगा, और इसके शुगर्स बॉडी में आपको विटामिन मिनरल्स भी साथ में देते हैं और ये काफ़ी पोषक है। लेकिन क्या वाकई में फ्रूट्स हमारे लिए हेल्दी है, और क्या इसे वाकई में ज़्यादा मात्रा में खाने से शुगर नहीं बढ़ेगा, क्या वाकई में इसे ज़्यादा मात्रा खाने से वज़न नहीं बढ़ेगा, कौन कौन से फ्रूट्स हैं जिसमें ज़्यादा शुगर है, कौन कौन से टाइप के शुगर्स होते हैं फ्रूट्स में, ये सारे एस्पेक्ट्स पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है कि फ्रूट्स वाकई में इतने हेल्दी हैं या नहीं, वज़न के हिसाब से, डायबिटीज़ के हिसाब से और ओवरऑल हमारे हेल्थ के हिसाब से। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, रेगुलरली हमारे वीडियोज़ को देखें, और अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कंटेंट को फॉलो करें, उस पर कमेंट्स भी करें और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर भी करें। फ्रूट्स में कंपेरेटिवली तीन टाइप का शुगर होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, और इनका कॉम्बिनेशन जो सुक्रोज बनाता है ये होता है। ज़्यादातर ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज तीनों ही हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब होता है और तीनों ही रेगुलर शुगर जैसा ही होता है। इसीलिए थोड़ी मात्रा में अगर हम फ्रूट्स को खाते हैं तो उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, तो शुगर उतना ज़्यादा नहीं बढ़ाता, फाइबर कंटेंट अच्छा होता है, विटामिन मिनरल्स होते हैं अच्छे, तो ठीक है, नुकसान नहीं करता है, वज़न कम करने में मदद करेगा, बशर्ते आप इसको डायरेक्ट फ्रूट फॉर्म में लें। एक चीज़, फ्रूट जूस के फॉर्म में नहीं लें, दूसरी चीज़ इसमें ऊपर से चीनी नहीं डालें जो कि फ्रूट जूस में काफ़ी कॉमनली लोग डालते हैं, और तीसरी चीज़ ये है कि फ्रेश फ्रूट्स लें, फ्रूट को फैक्ट्री मेड फ्रूट जूसेज या फ्रूट पर जो आता है या फ्रूट के जो डिशेज आते हैं वो अवॉइड करें, डायरेक्ट फ्रूट्स को खुद घर पर कटवा कर उसको प्रोसेस करके लें, ये ज़रूरी है, और खाने के बदले ले तो अच्छा है। खाने के बाद में और खाने के साइड में लेते रहोगे, खाना भी फुल खा लिया और चार केले भी खा लिए और एप्पल भी खा लिया और मौसम्बी और संतरे भी खा लिए, आम भी खा लिया, तो वो उतना हेल्दी आदत नहीं है। खाने के बदले अगर इसको ले रहे हैं और खाने में हाई कार्बोहाइड्रेट्स को या हाई फैट्स को अगर आप अवॉइड कर रहे हैं, आप बदले में फ्रूट्स को ले रहे हैं, तो अच्छी आदत है, आपको फ़ायदा करेगी। लेकिन आप अगर खाने के साथ में इसको ले रहे हो, बहुत एक्स्ट्रा खा रहे हो, तो फ़ायदा नहीं करेगा। कुछ फ्रूट्स में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है शुगर का, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स में, खासकर किशमिश में और प्रूनस में और खजूर में का ज़्यादा मात्रा में फ्रक्टोज होता है, और इन सब चीज़ों में जो नेचुरल शुगर्स होते हैं जो कि डिहाइड्रेशन प्रोसेस की वजह से और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी हो जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शुगर देता है, शुगर बढ़ाता भी है। इसके अलावा कुछ ट्रॉपिकल फ्रूट जैसे कि आम है, पाइनएप्पल और केले हैं, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फ्रक्टोज होता है बाकी फ्रूट्स के कंपैरिजन में, तो ये भी काफ़ी अनहेल्दी होते हैं। और फ्रूट जूसेस, ये सिर्फ चीनी पानी के बराबर और कुछ ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर फ्रूट जूसेस खासकर जो मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं, बॉटल्स में जो आते हैं, वो तो बिल्कुल ही अनहेल्दी होते हैं, क्योंकि उसमें कोई फ्रूट का फाइबर या पल्प नहीं होता, ज़्यादातर सिर्फ शुगर का फ्लेवर होता है और फ्रूट के कुछ शुगर्स होते हैं, बाकी कुछ और ज़्यादा इसमें पोषण या पौष्टिक तत्व नहीं होते। ऊपर से कुछ विटामिन वगैरह डाला जाता है, पर ऊपर से डले हुए विटामिन मिनरल्स नेचुरल जितना बेनिफिट करेंगे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और ये शुगर की पानी के साथ यदि आप विटामिन की टैबलेट खा लो तो उसके बराबर ही काम करेगा, तो इसलिए बॉटल में पैक फ्रूट जूसेस तो बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है, हम उसको रिकमेंड नहीं करते, अनलेस किसी ने बहुत हेल्दी तरीके से बनाया हो और उसमें एक्चुअल फ्रूट आपको दे रहा हो तो फिर भी माना जा सकता है, पर ज़्यादातर इसमें फ्रूट का पल्प और फ्रूट का जो फाइबर्स होते हैं वो ज़्यादातर नदारद होता है। अब बात करते हैं कौन कौन से फ्रूट्स में कौन कौन से शुगर्स होते हैं। ज़्यादातर फ्रूट्स में तीन तरह के शुगर होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज। ग्लूकोज यानी रेगुलर ग्लूकोज जो हमारा खाने में होता है, वो रेगुलर ग्लूकोज ज़्यादातर अंगूर में, ऑरेंजेस और कीवीज में ज़्यादा मिलता है। फ्रक्टोज जो कि शहद में ज़्यादा होता है, ये ज़्यादातर एप्पल, पियर्स, चेरीज और तरबूज यानी वाटरमेलन में ज़्यादा मिलता है। और सुक्रोज यानी टेबल वाली जो चीनी होती है, ये ज़्यादातर गन्ने में रहेगा, पाइनएप्पल्स में रहेगा, आम में रहेगा और कुछ बेरीज जैसे कि स्ट्रॉबेरी में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। इसमें कंपेरेटिवली अलग अलग फ्रूट्स में अलग अलग तरह के शुगर हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल केला में ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज का मिक्सचर होता है, अंगूर में ज़्यादातर ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है, बेरीज जैसे स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रास्पबेरी में ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिक्सचर होता है, सिट्रस फ्रूट्स जैसे संतरा, मौसमी वगैरह में ग्लूकोज और सुक्रोज का कॉम्बिनेशन हो सकता है, एप्पल्स में ज़्यादा फ्रक्टोज होता है ग्लूकोज के कंपेरिजन में। तो ये तीनों ही शुगर ज़्यादातर अलग अलग फ्रूट में अलग अलग कॉम्बिनेशन में रहते हैं। हमने ऑलरेडी फ्रक्टोज वाले टॉपिक में डिस्कस किया है कि फ्रक्टोज भी उतना ही नुकसानदायक है बॉडी के लिए जितना चीनी है या जितना ग्लूकोज है, वो भी शुगर को वैसे ही बढ़ाता है, उतना जल्दी नहीं बढ़ाएगा जितना प्लेन ग्लूकोज बढ़ाएगा, लेकिन वो भी फ़ायदा नहीं करेगा, और बॉडी में फैटी लीवर करना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना,
वजन बढ़ाना वो भी उतना ही करेगा जितना लगभग सिंपल ग्लूकोज करेगा। इस हिसाब से यदि हम देखते हैं तो फ्रूट में आने वाला शुगर हमारे लिए बहुत हेल्दी नहीं है, और यदि हम फ्रेश फ्रूट्स को ले रहे हैं और खाने के बदले ले रहे हैं तो फिर भी काम चल सकता है, क्योंकि उसमें कंपेरेटिवली जो कैलोरी कंटेंट है वो उतना ज़्यादा नहीं होगा फाइबर बढ़ जाने की वजह से, और फाइबर कंटेंट ज़्यादा होने से हमारा डाइजेशन वगैरह बेटर रहेगा, पेट भरा हुआ महसूस होगा तो और खाने की इच्छा नहीं होगी, वजन कम करने में मदद करेगा। लेकिन कॉन्सेप्ट वही है कि चीनी ऊपर से नहीं होना चाहिए, फ्रूट जूसेस नहीं होना चाहिए, और आपको खाने के बदले उसको खाना है, खाने के साथ में नहीं खाना है। खाने के साथ में आप एडिशनल फ्रूट्स खाते जाओगे तो आपका वजन बढ़ाएगा ही, कम नहीं करेगा। हाई फाइबर वाले फ्रूट अगर आप डायरेक्टली खाते हो तो आपकी भूख को शांत करता है और आपको दूसरा कुछ खाने को नहीं देता, लेकिन फ्रूट जूसेस पीते हो तो उसका ये सबसे बड़ा नुकसान है कि भूख उससे बिल्कुल नहीं मिटती। आप 4 गिलास जूस पीने के बाद भी उसके पूरा खाना खा सकते हो, जबकि 4 गिलास जूस आपको शायद 1000 या 1200 कैलोरी भी दे दे, अगर उसमें ऊपर से चीनी डाला है तो और ज़्यादा नुकसानदायक। फिर उसमें आपको 1 गिलास में 300 400 500 कैलोरी भी मिल सकती है जितना चीनी डाला उसके अनुपात में, और ये बिल्कुल भी आपका पेट नहीं भरेगा। आप उसके बाद भी लगभग आधे घंटे के बाद लगभग पूरा खाना भी आप खा सकते हो, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इतना जूस पी लिया। तो डेफिनेटली ये हाई एनर्जी हाई कैलोरी ड्रिंक है। यदि आपकी बॉडी में एनर्जी कम है उसकी कमी को मिटाने के लिए आप पी रहे हो तो चलेगा, पर यदि आप वजन घटाने के हिसाब से देख रहे हो, डायबिटीज़ के हिसाब से देख रहे हो, तो बिल्कुल भी अनहेल्दी है और इसको हर हालत में आपको अवॉइड करना चाहिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि फ्रूट एक हेल्दी चीज़ तो है, बस इसको सही तरह से लिया जाए, सही मात्रा में लिया जाए और ओवर ईटिंग नहीं किया जाए। फ्रूट्स के कंपैरिजन में सब्जियां ज़्यादा हेल्दी है। रहा सवाल विटामिन और मिनरल्स का, फ्रूट्स में जो विटामिन मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, बहुत ज़्यादा फ्रूट में बहुत थोड़े से विटामिन मिनरल्स होते हैं, इससे बहुत हेल्थ नहीं मिलता है। बहुत ज़्यादा फ्रूट्स आप खाओगे तो भी आपके दिन भर की जो विटामिन मिनरल की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए सिर्फ विटामिन और मिनरल पर फोकस करके बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खाएं तो हेल्दी नहीं है। आप सीमित मात्रा में ही फ्रूट्स को टेस्ट के लिए ज़्यादा खाएं तो ज़्यादा अच्छा है, टेस्ट के साथ थोड़ा खाने को रिप्लेस करने के लिए अगर लेंगे तो चलेगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको लेंगे तो नुकसान करेगा। फ्रूट्स के मामले में ग्लाइसेमिक इंडेक्स पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ फ्रूट जैसे कि वाटरमेलन या तरबूज या पाइनएप्पल आम, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। इसका खाना खाने के बाद ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होने की वजह से ग्लूकोज वैल्यू बढ़ जाता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेसिकली कैलकुलेशन है जिसमें खाना खाने के बाद ग्लूकोज के कंपैरिजन में कितना तेज़ी से ब्लड शुगर बढ़ता है उसको देखा जाता है। जैसे ग्लूकोज हम खाते तो उसका वैल्यू हमने 100 दे दिया कि वो 100 या 100 के पावर से वो ग्लूकोज लेवल्स को बढ़ाएगा, 100 मिलीग्राम खाएंगे तो 100 मिलीग्राम बढ़ाएगा ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को, एक तरह से ऐसा अगर मान के चलते हैं, हालांकि ये एक्यूरेट अजम्पशन नहीं है, पर अगर हम ऐसा मान के चलते तो बाकी को हम उससे कंपेयर करेंगे। जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 80 है मतलब वो 80% ग्लूकोज जैसा बिहेव करेगा, जिसका 70 है वो 70 करेगा, 40 है तो 40% वैसा बिहेव करेगा। तो मतलब जितना लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उतना ज़्यादा हेल्दी है, जितना हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उतना ज़्यादा अनहेल्दी है। इसके अलावा ग्लाइसेमिक लोड भी फ्रूट्स का देखना पड़ता है, क्योंकि कई फ्रूट्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा शुगर उसमें नहीं होता लेकिन बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। सबसे कॉमन एग्जाम्पल इसका तरबूज है, कि तरबूज को बहुत कम नहीं खाया जाता लेकिन बाकी फ्रूट्स के अपेक्षा आप 1-2 किलो तरबूज खा सकते हो, बाकी कोई भी फ्रूट को आप 1-2 किलो नहीं खा पाते। तरबूज में पानी ज़्यादा होता है लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा मात्रा में खा लेते हो तो ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और वो फ़ायदे के बदले नुकसान करने लगता है। तो इसलिए फ्रूट्स एक हेल्दी आइटम है लेकिन बहुत ज़्यादा मत खाइए। थोड़े फाइबर वाले फ्रूट्स पर ज़्यादा फोकस करिए, बहुत ज़्यादा मीठे फ्रूट्स आपकी भूख को बढ़ाते हैं, शांत नहीं करते, और उसके बाद आपको और ज़्यादा खाने की इच्छा होती है। जैसे कि आम है, पाइनएप्पल, जब केला है, ये आपकी भूख को उतना ज़्यादा नहीं मिटाते हैं। तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स को अवॉइड करिए। डाइट का फ्लेवर्स बढ़ाने के लिए, डाइट की स्मेल बढ़ाने के लिए, वर्साटिलिटी बढ़ाने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वज़न कम करने के हिसाब से आप सोचोगे ज़्यादा फ्रूट्स खाओगे तो वज़न कम हो जाएगा, या आप ये सोचोगे कि डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगी आप ज़्यादा मात्रा में खाओगे, तो ये डेफिनेटली आपका गलत विचार है। इतना फ़ायदा नहीं करेगा, उल्टा नुकसान करेगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि डायबिटीज़ कंट्रोल और वेट मैनेजमेंट के हिसाब से फ्रूट्स अच्छा चॉइस नहीं है। थोड़ी मात्रा में खाएं तो चलेगा, ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो आपका वज़न बढ़ भी सकता है, खासकर अगर खाने के बदले इसको ना खाएं तो। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी, एक नया कॉन्सेप्ट समझने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, रेगुलर हमारे वीडियोस को देखें, और यदि कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट्स करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर करें।